So today mom is making oil-free arbi and she's just peeled the arbi. तो मम्मा आपने ये अरबी लेते समय कुछ ध्यान रखा था कि कैसी लेनी है? कोई स्पेसिफिक कुछ है ऐसा? तो मैंने तो गोल गोल लेता हूँ ज्यादा, गोल गोल लेती हूँ, मतलब आगे पीछे से ना। आगे पीछे से गोल होनी चाहिए। अच्छा ऐसे। तो अभी आपने इसका बस छिलका उतार दिया, कैसे उतारा छिलका? मोटा वॉश मोटा किया वॉश कर लिया। ऐसे, अच्छा हाँ ऐसे छिलके। अब आप इसको काटोगी और फिर स्टीम करोगी। वॉश किया इसको, हाँ, वॉश करने के बाद कपड़े अब में काटूंगी और फिर अच्छे से स्टीम कर। पोंछ लिया। एंड देन वील कट एंड देन वील स्टीम। She's cutting one arbi into long finger chips, four parts. So we've put steamer on top of the gas, and that's water down there. And on top of it, we keep a strainer like this. And now we're putting arbi for steaming. कितनी देर steam करेंगे? बस ये soft हो जाए थोड़ी। और फोक लगा के देखिए। सो देन वन हैज टू कीप चेकिंग, वंस इट बिकम्स टेंडर एंड सॉफ्ट दैट मीन्स इट्स डन। नाउ शी इज गोइंग टू कवर इट। थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं। वी आर चेकिंग सो वी आर चेकिंग इफ द आरबी इज रेडी। नो इट्स नॉट रेडी येट। Steaming has a great purpose because the water doesn't touch the vegetable, so all the nutrients remain in the vegetable and they don't get dissolved in water. Earlier mom used to make deep fried arbis, which was also very tasty, but as we realize the importance of steamed food, we've changed the recipe and we really enjoy this one also. For the masala of the arbi, we've got two onions, three tomatoes, some garlic, some ginger and two green chilies. We have some very basic Indian masalas like turmeric powder, salt, red chili powder, dhania powder, jeera, which will go as the base of the masala. Ho gayi? So it's done. Now we've taken a stainless steel kadai and she's put no oil and straight she's put all the onions there. मम्मा आपने जीरा वीरा भी कुछ नहीं डालना था मेरे पास, भुना हुआ जीरा पड़ा है। अच्छा, सो शी पुट नो ऑयल एंड शी स्ट्रेट अवे पुट द अनियंस एंड नाउ शी इज पुटिंग जिंजर गार्लिक एज वेल। ये भी डाल दूंगी ना सब, बिना किसी तेल के सब कुछ डाल दिया है एक साथ। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी हमको तेल की, तेल में कोई टेस्ट नहीं है, मसाले में टेस्ट है। आपने जीरा भुन के रखा हुआ ऑलरेडी, तो बार बार ही जीरा भुनने की जरूरत नहीं है कढ़ाई में ना। वैसे सबसे पहले जीरा भुन लो चाहे। अच्छा, अगर आपके पास भुना हुआ जीरा नहीं है तो सबसे पहले तेल में बिना कढ़ाई में बिना तेल डाले जीरा भुन सकते हैं। एंड बिकॉज मॉम हैज केप्ट भुना जीरा इन वन बॉटल, सो शी कैन पुट इट एट एनी स्टेज, शी नीड नॉट भुनो द जीरा द फर्स्ट थिंग। व्हाट इज दिस? धनिया पाउडर, some turmeric, some red chili powder, क्या डाल रहे हो? पानी? हाँ जी, पानी डाल के क्या होगा? ये भुन जाएगा सारा मसाला। अच्छा, तो इसको पानी में भुनना है, तेल में नहीं भुनना है, पानी में भुनना है। तेल में कोई टेस्ट नहीं है, मसाले में टेस्ट है। सो वी हैव नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन एनी मसाला, वी हैव कॉम्प्रोमाइज ऑन द ऑयल। अच्छा, नाउ यू आर स्टिरिंग द लिड। कीप मिक्सिंग इट इन बिटवीन, कीप चेकिंग। बस ये हो चुका। हो गया? हो गया। अब क्या डालना है? इसमें नमक डालेंगे। कम से ज्यादा नमक,
that's the steamed arbi. Now we add the steamed arbi into that masala. And kiti der isko ab is tarah se isko 2-4 minutes you have to just keep it covered so that all the masalas go inside the arbi. We'll keep it covered for 2 to 4 minutes. Look at that color. And now we add the green chilies, and in the end we'll top it up with some green coriander, and it's ready without any oil, and it's guilt-free and yummy, and my mouth is already watering and I want to eat it. Garam masala ya kali mirch jo aapko pasand ho dal lo. Hame to aise hi pasand hai, bina garam masala ke bina kali mirch. Chalo phir theek hai, aise khao. Ready?